अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर को, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और ये क्या क्या काम करता है। तो अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास हैज़ बीन क्रिएटेड प्रीवियसली। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू। तो हमारे पास जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जो कि उसी क्लास का हो और वो पहले बनाया गया हो उसकी वैल्यूज से इनिशियलाइज करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ होता है। तो हम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को सेम टाइप के इनिशियलाइज करवा सकते हैं उसी टाइप के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या हम एक ऑब्जेक्ट को जब हमने आर्गुमेंट में पास करना होता है किसी फंक्शन में तो उसको कॉपी कर सकते हैं जो हमारे पास आर्गुमेंट में वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर, या फिर हमने कोई फंक्शन से रिटर्न करना हो ऑब्जेक्ट तो उसको भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को उस ऑब्जेक्ट में कॉपी करके वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक न्यूली क्रिएटेड और एक प्रीवियसली क्रिएटेड। तो जो पहले से हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा हम उसकी वैल्यूज़ नए वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे और नया वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक शैलो कॉपी और एक डीप कॉपी। तो जो शैलो कॉपी होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, यानी वो कंपाइलर खुद क्रिएट कर देता है, और डीप कॉपी जो है उसका मैकेनिज्म हमें खुद लिखना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा, तो हम फिर डीप कॉपी परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर डिफ़ॉल्ट हम देखेंगे तो वो शैलो कॉपी होगी। अब हम देख लेते हैं शैलो कॉपी क्या होती है। अ शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉपीज ऑल द मेंबर फील्ड वैल्यूज़। This works well if the fields are values but may not be what you want for fields that point to dynamically allocated memory। तो जब तक तो हमारे पास जो मेंबर्स हैं डेटा मेंबर्स वो एक हमारे पास इंटीजर या फ्लोट या डबल टाइप के या कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स होंगे, यानी वो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, वो कोई पॉइंटर नहीं होगा, तो तब तक तो ये ठीक काम करेगा, यानी ये डिफ़ॉल्ट पे हमारे पास सही चलेगा। यानी जो भी हमने बॉक्स की क्लास हम लेके चल रहे हैं जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट है, ये तीनों डबल टाइप के हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, तो इनके लिए अगर हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी शैलो कॉपिंग का मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास ओके होगा। लेकिन अगर हम किसी क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स में पॉइंटर्स ले रहे हैं और उनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, बाद में हमारे पास अगर एक नेम है तो उसको हम कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि नेम का साइज़ क्या होगा एग्जैक्टली, तो वो हम उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं यूज़र से नेम लेने के बाद और उसका हम साइज़ चेक करने के बाद। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, द पॉइंटर विल बी कॉपीड बट द मेमोरी इट पॉइंट्स टू विल नॉट बी कॉपीड। तो यानी जो आपके पास एड्रेस होगा वो कॉपी हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंटर्स जो होंगे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के वो एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे अगर हम डिफ़ॉल्ट कॉपी का यानी शैलो कॉपी का मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। अपना कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहे हम कंपाइलर जनरेटेड जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास पॉइंटर्स भी हैं मौजूद। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो एक क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंटर और दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंटर, ये दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे होंगे, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे, और इन केस अगर हम चेंजेस करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में तो वो चेंजेस दूसरे ऑब्जेक्ट में भी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बहुत डिज़ास्टरस हो सकता है क्योंकि हमने अगर कॉपी की है वैल्यूज़ तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो दोनों जगह हो, वरना फिर हमारे पास कॉपी का फ़ायदा नहीं है। तो इस केस में फिर हम डीप कॉपी का यूज़ करते हैं और हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे और उसको फिर हम यूज़ करेंगे। The deep copy copies all fields and make copies of dynamically allocated memory pointed to by the fields। तो इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बस ये आप ये समझ लें कि यूज़र डिफाइंड हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें आपने जो करना है आप जैसे उसको कॉपी करना है वैसे आप उसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है सारा कंट्रोल, डेफिनेशन इसकी आपने देनी है। लेकिन इस केस में आप क्या करते हैं कि आप जो है वो जो पॉइंटर्स हैं उनके लिए आपके लिए डीप कॉपी का यूज़ करते हैं और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर आप जो हमारे पास प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर का जो पॉइंटर है उसका साइज़ लेके न्यू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर को पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग कॉपी या दूसरे फंक्शंस के साथ हम उसकी वैल्यू को उधर कॉपी कर देते हैं। तो इस तरह से हम डीप कॉपी के मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं और अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। तो अब मैं आपको पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको एक पॉइंटर वेरिएबल लेके अपना कंस्ट्रक्टर बना के उसको डीप कॉपी भी करके दिखाऊंगा और शैलो कॉपी में डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि अगर मैं पॉइंटर के साथ डीप कॉपी यूज़ नहीं करता तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है। तो अब हम चलते हैं अपनी कंपाइलर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और मैं वही बॉक्स की क्लास जो मेरे पास थी उसको आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक डिस्ट्रक्टर है, उसके बाद मेरे पास एक सेट वैल्यूज़ का फंक्शन है और एक डिस्प्ले का फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले शैलो कॉपी का मैकेनिज्म देखते हैं यानी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। और एक सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो 16.9, 18.4 और 14.6 मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं OBJ को। अब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि OBJ1 है और इसको इज इक्वल टू के ऑपरेटर के साथ में OBJ पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इज इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये ओवरलोड भी नहीं है। ये क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जब हम डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जो हमने खुद डिफाइन किया तो हम ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये ब्रैकेट्स देंगे और इस तरह से इसको पास करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ इसमें कॉपी हो जाएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं OBJ की वैल्यूज़ मैंने OBJ1 में कॉपी करवा दी हैं जो कि ये फर्स्ट स्टेप वाली हैं और उसके बाद मैं OBJ की वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं OBJ को डिस्प्ले करूँगा तो ये वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। लेकिन जब मैं OBJ1 को डिस्प्ले करूँगा तो ये वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी क्योंकि ये मेरे पास वैल्यूज़ थी इसलिए ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई हैं, मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉइंटर होता और मैं उसके अंदर इस तरह डिक्लेरेशन करता फिर उसको किसी और ऑब्जेक्ट को मैं इनिशलाइज़ करवा देता और उसके बाद इसकी वैल्यूज़ चेंज करता तो मेरे पास जिस ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशलाइज़ करवाया यानी OBJ1 इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती। लेकिन इस केस में नहीं होंगी, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये OBJ जो मेरे पास था सबसे पहले OBJ.display का फंक्शन कॉल हुआ और इसकी वैल्यूज़ जो मैंने चेंज की हैं 14.2, 34.5 और 40.9 तो ये प्रिंट हो गई। और जो OBJ1 है उसकी वैल्यूज़ वही प्रिंट हुई हैं जो मैंने उसको इनिशलाइज़ करवाई थी OBJ की, तो वो थी 16.9, 18.4 और 14.6। तो इस केस में तो कोई एरर नहीं आया हमारे पास क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिंपल वैल्यूज़ थी। अब मैं अगर एक नेम का इसमें डेटा मेम्बर ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास एरर देगा। क्या एरर देगा कि जो OBJ का मैंने नेम स्टोर करवाया OBJ1 में ये उसका एड्रेस कॉपी कर देगा इधर और OBJ1 का जो पॉइंटर है नेम वाला वो भी उसी नेम को पॉइंट कर रहा होगा जिस नेम को OBJ पॉइंट करा। फिर मैं सेट वैल्यू से जब नेम चेंज कर दूँगा और डिस्प्ले करवाऊँगा तो इसका नेम तो वही प्रिंट होगा लेकिन इसका नेम भी वही प्रिंट होगा क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे थे। तो जिस तरह से आपने देखा है पहले भी एग्जांपल में कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही जगह पे पॉइंट कर सकते हैं तो ये वो केस बन जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो उससे बचने के लिए फिर हम डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक नेम का डेटा मेम्बर ऐड कर लेता हूँ जिसकी मैं टाइप लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर पॉइंटर और नेम के नाम का एक डेटा मेम्बर और ऐड कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं कहता हूँ नेम इज़ इक्वल टू नल। और जो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं नेम सबसे पहले इनपुट लूँगा कैरेक्टर n की फॉर्म में और यहाँ पर मैंने क्या करना है सबसे पहले मैंने n का साइज़ देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं नेम का साइज़ पहले मालूम कर लूँगा और उस साइज़ की फिर मैं एरे जनरेट करूँगा जो कि कैरेक्टर टाइप की होगी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं लिखना है यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू न्यू कैरेक्टर। अब मैंने इसका साइज़ देना है तो उसके अंदर मैं साइज़ के लिए मैं यहाँ पे strlen जो मेरे पास यहाँ पे n आया हुआ है इसका साइज़ मैंने कैलकुलेट करना है और +1 करना है क्योंकि ये नल कैरेक्टर मेरे पास चाहिए होगा। तो ये मैंने पहले जो है वो एक मेमोरी एलोकेट कर दी है इसको और उसके बाद मैं strcpy के फंक्शन से वैल्यूज़ जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने जो नेम है उसके अंदर वैल्यू कॉपी करनी है n वाली, तो ये मैं फंक्शन यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसी तरह मैं जाता हूँ और सेट वैल्यू के फंक्शन के अंदर भी मैं यही काम कर लेता हूँ और डिस्प्ले के अंदर हम करेंगे सी आउट। और अब यहाँ पर हम इसको कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ दे देते हैं जो कि मैं इसको देता हूँ पहले केस में अली। अब ये अली जो है वो OBJ1 में कॉपी हो जाना चाहिए और ओबीजे की फिर मैं वैल्यू चेंज करके कुछ और रख देता हूँ, मैं कर देता हूँ हमज़ा। होना ये चाहिए कि ये OBJ1 में अली पड़ा रहे और OBJ में हमज़ा हो जाए, लेकिन ये हमारे पास इस स्टेप के बाद जो है वो OBJ1 में भी हमज़ा स्टोर करवा देगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और अगर कोई एरर है तो हम रिमूव कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा था, तो मेरे पास सेट वैल्यूज़ के फंक्शन में मुझे मेमोरी दोबारा एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर में एक दफ़ा एलोकेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एलोकेट करूँगा तो ये मेरे पास मेमोरी लीक हो जाएगी और वो जो पॉइंटर होगा वो किसी जगह को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। ये मैं यहाँ से सेट वैल्यूज़ के फंक्शन के अंदर से ये मैं हटा रहा हूँ, दोबारा मेमोरी एलोकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ str कॉपी का फंक्शन यूज़ करना है और नेम के अंदर जो नया n आया मेरे पास वो हमने स्टोर कर देना है। अब मैं जब ये रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरे पास OBJ में पहले ये वाली वैल्यूज़ स्टोर होंगी और फिर मैं OBJ1 में ये वाली वैल्यूज़ स्टोर करवा रहा हूँ, अली 16.9, 18.4 और 14.6। फिर मैं जो OBJ है उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो OBJ1 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए लेकिन उसकी वैल्यू भी चेंज होगी मेरे। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन जो मेरे पास ये कैरेक्टर टाइप का मेरे पास पॉइंटर है इसमें ये बाद में जब मैं हमज़ा कर रहा हूँ OBJ की वैल्यू को, तो ये OBJ1 की वैल्यू को भी हमज़ा कर देता है। बाकी वैल्यूज़ को नहीं छेड़ा, बाकी वैल्यूज़ वही हैं 16.9, 18.4 और 14.6। तो ये मेरे पास अब प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके अंदर मैं डीप कॉपिंग के मैकेनिज़म को यूज़ करूँगा। तो वो किस तरह से बनाना है हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉक्स लिखूँगा और उसके अंदर मैं एक बॉक्स टाइप का OBJ पास करूँगा और इसके अंदर आके मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट इसको पास हुआ है उसके जो मेरे पास नेम का वेरिएबल है उसके साइज़ का मैं पहले मेमोरी एलोकेट करूँगा जो मेरे पास न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर उसका मेरे पास नेम है इज़ इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, यहाँ पर मैंने strlen के अंदर जो मैंने वेरिएबल पास करना है अब वो मैंने कहना है obj.name। तो obj डॉट जो नेम है मेरे पास उसके अंदर +1 करके मैं पहले मेमोरी एलोकेट करूँगा न्यू ऑब्जेक्ट के नेम को और उसके बाद मैं strcpy से नेम के अंदर कॉपी कर दूँगा obj डॉट नेम को। तो अब ये मैंने जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करना, मैंने अब अपना एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो अब इस स्टेप में जब मैं आऊँगा तो मेरे पास ये जो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा और ये प्रॉब्लम जो मेरे पास थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। OBJ1 में अब हमारे हमारे पास अब ये न्यू वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी और OBJ1 में ये पुरानी वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना है, इसको आपने पास बाय रेफरेंस करना है, आपने इसकी वैल्यू पास नहीं करनी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप जब कॉपी कंस्ट्रक्टर में आएँ तो यहाँ पर आपने पास बाय रेफरेंस करना है। तो मैं F11 प्रेस करके इसको रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसने न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो पहले प्रिंट करवाई हैं जो कि OBJ में स्टोर हो चुकी हैं, लेकिन OBJ1 में अभी भी अली ही मौजूद है, अब हमज़ा मौजूद नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम डीप कॉपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और अपना कंस्ट्रक्टर देते हैं कंपाइलर को, जिसके अंदर हम जो डेफिनेशन देंगे फिर कंस्ट्रक्टर चीज़ों को उस तरह से मैनिपुलेट करेगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।